हाय एवरीवन आज अपना टॉपिक है कुशिंग सिंड्रोम ठीक है कुशिंग सिंड्रोम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट 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 टॉपिक फ्रॉम द एंडोक्राइन डिसऑर्डर यूनिट ऑफ योर एम सिलेबस आपके एम सिलेबस के अंदर एंडोक्राइन यूनिट के अंदर जिस तरह से डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मलाइटस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी तरह से कुशिंग सिंड्रोम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है इसलिए हम डायबिटीज़ मलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस के बाद थर्ड टॉपिक ले रहे हैं कुशिंग सिंड्रोम डायबिटिस इंसिपिडस पेनक्रिएटिक डिसऑर्डर था सॉरी डायबिटिक मलाइटस पेनक्रिएटिक डिसऑर्डर था डायबिटिक इंसिपिडस जो है वो आपके पिट्यूटरी ग्रैंड ग्लैंड रिलेटेड और किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर था कुशिंग सिंड्रोम जो है ये एड्रिनल ग्लैंड रिलेटेड डिसऑर्डर है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ये जो किडनी है किडनी के ऊपर सुपरारिनल स्पेस में पाई जाने वाली ग्लैंड जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड क्या कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है सुपरारिनल ग्लैंड क्योंकि रिनल के ऊपर पाई जाती है ठीक है एड्रिनल रिनल के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड 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 और एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है कोर्टिसोल ठीक है कोर्टिसोल कोर्टिसोल और कोर्टिसोल का एक्सेस हो जाना क्या कहलाता है कुशिंग सिंड्रोम ठीक है कोर्टिसोल का एक्सेस हो जाना क्या कहलाता है कुशिंग सिंड्रोम इसलिए इस कंडीशन का दूसरा नाम हम कह सकते हैं हाइपर हाइपरकोर्टिसोलिज्म हाइपर हाइपर क्लियर ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें से सीक्रेट होने वाला हार्मोन कोर्टिकसोल और कोर्टिसोल का लेवल एबनॉर्मली हाई हो जाना क्या कहलाएगा हाइपर और हाइपर को ही हम क्या कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम पहली चीज़ दूसरी बात यह कि कुशिंग सिंड्रोम को सिंड्रोम क्यों कहा गया है क्योंकि कोर्टिसोल जो है वो कई सारे फंक्शन करता है और कोर्टिसोल के बढ़ जाने से कई सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं और कई बहुत ज़्यादा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं इसलिए वेरियस टाइप के साइंगन सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी आती है सेक्सुअल एबनॉर्मलिटी आती है उन सारी एबनॉर्मलिटियों का ग्रुप बन जाता है और ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर इज आल्सो नोन एज द सिंड्रोम इसीलिए हम कुशिंग सिंड्रोम को सिंड्रोम कहते हैं कुशिंग डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम इसका दूसरा नाम है हाइपर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है हम यदि एड्रिनल ग्लैंड बनाए और सपोज ये एड्रिनल ग्लैंड है और एड्रिनल ग्लैंड के बीच वाला पार्ट जो रहता है जिसको हम मेड्यूला कहते हैं तो ये आपका एड्रिनल मेड्यूला हो गया और ये आपका हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स क्लियर अब कॉर्टेक्स की थ्री लेयर्स रहती है वन टू एंड थ्री फर्स्ट लेयर जो रहती है जोना ग्लोमेरुलोसा सेकेंड लेयर जो रहती है जोना फेसिक्यूलाटा एंड थर्ड लेयर जो रहती है जोना रेटिक्यूलिस क्लियर अब ग्लोमेरुलोसा से सीक्रेट होता है एल्डेस्टेर क्या सीक्रेट होता है एलडेस एलडेस्टेर क्लियर और एलडेस्टेरॉन क्या करता है सोडियम और मिनरल्स का रेगुलेशन करता है मेटाबॉलिज्म करता है रेगुलेशन करता है इसीलिए इस तरह के हार्मोन को अपन कहते हैं मिनरलो हार्मोन। हारमोन यह हार्मोन कौन से हैं मिनरल हार्मोन? कॉर्टिकॉइड दूसरे जो रहते हैं जोना फेसिकुलेटा। इसके अंदर कोर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होते हैं कोर्टिसोन या हाइड्रोकोर्टिसोन हार्मोन सीक्रेट होते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए कॉर्टिसोल कोर्टिसोल कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरॉन कॉर्टिकोस्टेरॉन तो ये सारे क्या हैं हाइड्रोकोर्टिसोन है और क्योंकि ये ग्लूकोस, प्रोटीन फैट इनके मेटाबॉलिज्म में कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट रोल प्ले करते हैं और इसलिए इनका नाम रखा गया है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। और थर्ड वन जो हार्मोन रहते हैं ठीक है ये हार्मोन रहते हैं सेक्स हार्मोन सेक्स हार्मोन क्लियर तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे आज हम इन हार्मोन के डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे जो कि जोना फेसिक्यूलेटा से सीक्रेट होने वाले हार्मोन है क्लियर ओके okay. अब एक कॉन्सेप्ट और आपको याद रखना है कि जो जोना ग्रोमेलो ग्रोमे ग्लोमेरुलोसा ठीक है जोना ग्लोमेरुलोसा से सीक्रेट होने वाला एल्डेस्टेरोन हार्मोन एल्डेस्टेरोन हार्मोन सोडियम और मिनरल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है मिनरल और कॉर्टिकोड कहलाता है यदि ये हार्मोन बढ़ जाए कौन से हार्मोन बढ़ जाए यदि ये हार्मोन बढ़ जाए कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाए कोर्टिसोन बढ़ जाए या कोर्टिकोस्टेरन बढ़ जाए तो इसका डेफिनेशन तो मैंने आपको बताया इसको कहेंगे अपन कुशिंग सिंड्रोम क्या कहेंगे कुशिंग सिंड्रोम लेकिन यदि यह बढ़ जाए कौन बढ़ जाए यह बढ़ जाए एल्डर बढ़ जाए यदि एल्डर बढ़ जाए तो उसको हम कहेंगे कौनस डिजीज कौनस डिजीज क्लियर ओके एक कॉन्सेप्ट और है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड कोर्टिसोन कॉर्टिकोस्टेरॉन इनके बढ़ने को अपन कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम और इनके कम होने को इनके कम होने को अपन कहते हैं एडिशन डिजीज क्या कहेंगे एडिशन डिजीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक चीज और बता दूं कि यहां से आपको ध्यान रखना है कि थॉमस एडिसन जो है उन्होंने एंडोक्राइनोलॉजी का स्टार्टिंग किया था ठीक है एंडो क्राइन ग्लैंड रिलेटेड जो भी डिस्कवरी है ये इन्होंने स्टार्ट करी थी कि इन्होंने थॉमस एडिसन ने और इंक्रीज कोर्टिसोल लेवल आल्सो नोन एज द हाइपर एंड लवली नेम इज कुशिंग सिंड्रोम रिड्यूस्ड लेवल ऑफ द कोर्टिसोल इज आल्सो कॉल्ड हाइपोकोर्टिसोलिज्म इट इज कॉल्ड हाइपोकोर्टिसोलिज्म एंड लवली नेम इज एडिशन डिजीज ठीक है साइंस में इसका नाम क्या है हाइपर साइंस में इसका नाम क्या है हाइपोकोटिलोसोलिज्म लेकिन इसको टर्मिनोलॉजी क्या देंगे कुशिंग सिंड्रोम और रिड्यूस्ड कोटिसोल लेवल को टर्मिनोलॉजी देंगे एडिसन डिजीज तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन डिजीज दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है जिस तरह से हम हाइपर और हाइपोथाइरोडिज्म को साथ में देखते हैं वैसे ही हमको कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन डिजीज को भी साथ में देखना पड़ेगा अपोजिट में देखना पड़ेगा क्लियर ओके okay, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले तीन हार्मोन है आ, ग्लोमेरुलोसा से सीक्रेट होता है एल्डेस्टेरॉन जिसको मिनरलोकोटिकोट कहते हैं इंक्रीज हो जाने को कौन्स डिजीज इसके इंक्रीज हो जाने को कुशिंग सिंड्रोम इसके डिक्रीज हो जाने को हाइपोकोटिसमो एडिशन डिजीज क्लियर और मेड्यूला के अंदर सीक्रेट होने वाले हार्मोन है एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन क्लियर ये मेड्यूला के हार्मोन है तो ये आपके थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए था और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पर्पज से था अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन कुशिंग सिंड्रोम क्या है और इंट्रोडक्शन तो कुशिंग सिंड्रोम को समझने के लिए आपको एक ये सपोज करो बॉडी है पर्सन की बॉडी है और इस बॉडी के अंदर सुपरारिनल ग्लैंड पर दो एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है ठीक है और ये ग्लैंड अपना खुद का क्या बनाती हैं कोर्टिसोल बनाती हैं क्या बनाती हैं कोर्टिसोल अपना खुद का बनाती है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ खुद का ये इनका है कोर्टी सोल खुद का कोर्टी सोन भी है और खुद का कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉर्टिकोस्टोरॉन भी है रोन भी है क्लियर लेकिन इनका मेन फंक्शन जो है अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इनका फंक्शन है मेटाबॉलिक फंक्शन है ग्लूकोज प्रोटीन फैट इनके मेटाबॉलिज्म में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है लेकिन मेन फंक्शन इनका जो रहता है एक इम्पोर्टेंट फंक्शन रहता है वो रहता है कि ये रिड्यूजेज दिस हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूजिंग द इफेक्ट ऑफ इम्यूनिटी ये इम्यूनिटी को सप्रेस करती है ये क्या करती है इम्यूनिटी को सप्रेस करती है ये एलर्जी को क्या करेंगी सप्रेस करेंगी ठीक है ये इन्फ्लामेशन को क्या करेंगी सप्रेस करेंगी मीन्स ये जो हार्मोन है इनका इफेक्ट कैसा है एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट इनका रहता है सपोज करो कि आपको पिंपल्स हो गए क्लियर तो आपने मेडिसिन लगा दी एंटी इन्फ्लामेटरी ठीक है तो ये पिंपल्स क्या हो जाएंगे रीहील हो जाएंगे मीन्स जो चीजें आपको एलर्जी और इन्फ्लामेशन के कारण से हो रही है या इंफेक्शन के कारण से हो रही हैं उनके सिम्टम को सप्रेस करने के लिए ठीक है उनके सिम्टम को सप्रेस करने के लिए आपको क्या देना पड़ता है उनके सिम्टम को सप्रेस करने के लिए आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने पड़ते हैं तो ये बॉडी के अंदर नेचुरल ऐसे कॉटिक रहते हैं जो नेचुरली कुछ लिमिट तक आपकी एलर्जी आपकी बॉडी में एलर्जी और इन्फ्लामेशन को सप्रेस करती है ठीक है यदि कभी कोई इंसेक्ट बाइट करे ठीक है एलर्जी हो राइनाइटिस हो एलर्जी हो इन्फ्लामेशन हो बॉडी के अंदर यदि कोई इंफ्लामेशन हो ठीक है और इन्फ्लामेशन में जैसे ईचिंग हो गया बर्निंग हो गया इन्फेक्शन uh, हो गया स्वेलिंग हो गया तो उन चीज़ों को सप्रेस करने के लिए आप बाहर से भी कॉटिकोस्ट स्टेरॉयड uh, लेते हो कॉटिको स्टेरॉयड लेते हो ठीक है तो अंदर जो स्टेरॉयड बनते हैं ये कहलाते हैं एनडोजीनस कॉटिको स्टेरॉयड लेकिन बाहर से आप जो लेते हो ये कहलाते हैंजोजीनस कॉटिको स्टेरायड और यह कॉर्टिकोस्टेरॉयड आपको इंजेक्शन के फॉर्म में मिलते हैं जैसे एग्जाम्पल एक, एक बताऊंगा मैं इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है इसके बाद डेक्सोमिथाजोन डेक्सोमिथाजोन हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है और एग्जाम्पल बताऊं मेथाज़ोन, बीटा मेथाजोन -मेथा -मेथा क्लियर और एग्जाम्पल है